आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आने के बाद में अब वह निशा भारती के घर पर पहुंच गए हैं। उन्हें पटना लाने की तैयारी भी शुरू हो रही है क्योंकि बिहार के राजनीतिक ने उठा पटक करने की भी तो बारी है। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से बताएं उससे पहले एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं जो लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई है। और अगर आप भी लालू प्रसाद यादव का समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा क्योंकि इसमें लालू प्रसाद यादव ने जो विचारधारा पर रखा है उसके बारे में हम बात करेंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सीधे नरेंद्र मोदी को अड़े हाथ ले लिया है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को अड़े हाथ लेते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा और सवाल पूछा कि क्या जातिगत और व्यक्तिगत लोगों को एक दूसरे को बांट दिया जाए, ये कहीं का सही न्याय है क्या? हम तो इसे न्याय नहीं मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लाउडस्पीकर विवाद जो चल रहा है ये बिल्कुल सही नहीं है। इस पर भारतीय जनता पार्टी देश का टुकड़ा टुकड़ा करना चाहती है ताकि वह राजनीति करने का एक अलग रणनीति बना सके, और राजनीतिक में एक अलग रणनीति बनाना उचित बिल्कुल भी नहीं है। लालू प्रसाद इशारों और इशारों में नीतीश कुमार और देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर अपनी जुबानों को ना रोकते हुए उनके दिल के अंदर के सभी बातों को उन्होंने घेर दिया और उस पर पूछ दिया कि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको ये बताना चाहिए कि देश में ये सांप्रदायिक हिंसे या फिर ये सांप्रदायिक बंटवारे क्यों हो रहे हैं? आखिरकार सभी भाई हैं, सभी इंसान हैं, हमें इंसानियत की बात करनी चाहिए, हमें गरीबी की बात करनी चाहिए, हमें बेरोजगारी की बात करनी चाहिए, देश में भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है इस पर हमें काम कैसे करना है इसके बारे में बातें करनी चाहिए, ना कि अनर्गल मुद्दे जैसे कि लाउडस्पीकर विवाद या फिर अनर्गल जिसका कोई मतलब नहीं बनता ऐसे विवादों को लेकर वो सवाल करते रहे। तो इस पर आप पत्रकारों से बात करते हुए सीधे लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बने आप हमारे साथ। आईटीटी न्यूज के लिए दीपक कुमार सिंह की रिपोर्ट। जय हिंद, वंदे।